दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय धर्मवीर ज्वेलर्स नादौन हमीरपुर। राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को पावर ग्रिड द्वारा हाईटेक इको कार्डियोग्राफी स्कैनर मशीन व 6 आईसीयू बेड मंगलवार को प्रदान किए गए हैं। पावर ग्रिड ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से एमओयू साइन किया है। पावर ग्रिड ने 21.3 लाख रुपए से ये उपकरण अस्पताल को भेंट किए हैं। हाईटेक इको कार्डियोग्राफी स्कैनर मशीन मिलने से हार्ट के मरीजों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमीरपुर में मौजूद कार्डियोग्राफी मशीन पहले से ही मौजूद है, लेकिन हाईटेक इको कार्डियोग्राफी स्कैनर मशीन मिलने से अस्पताल आने वाले लोगों के हार्ट की तुरंत सही जानकारी मिल सकती है। इसके लिए डॉक्टरों को 6-7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द मशीन का प्रयोग हो सके और हार्ट के मरीजों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मजिस्ट्रेट मनाली जिला कुल्लू को एक विशेष वाहन माउंटेड वैक्यूम असिस्टेंट रोड स्वीपर एवं 2 सीवर सफाई जेटिंग वाहन मशीन भी सौंपी गई है। देखिए, पावर ग्रिड महाराष्ट्र कंपनी है और CSR एक्टिविटी क्या है, इसमें हमेशा तत्पर रहती है। जहाँ भी अस्पताल हो, स्कूल हो या रूरल डेवलपमेंट होती है, पावर ग्रिड हमेशा आगे बढ़ के तत्पर रहता है, ताकि जो जहाँ पे लोकल डेवलपमेंट अच्छा हो। और ये तो चलो आपके मेडिकल हॉस्पिटल, उसके अलावा हम लोग बाकी कांगड़ा में भी, शिमला में भी काफ़ी हमने इक्विपमेंट दिए हैं जो लोकल पब्लिक को मतलब बहुत बेनिफिट है। जैसे मोबाइल मेडिकल वैन होती है, पूरे इक्विपमेंट से लेस होती है, वो मोबाइल अगर हिमाचल में हमने दी हुई, अभी देने का प्लान है, मतलब ऑलरेडी 99% मतलब तैयार हो चुकी है, तो उसका बेनिफिट हम लोग यहाँ पे हिमाचल के लोगों को मिलेगा। और आगे जितना भी हम लोग होगा CSR में, हम आगे उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे। इसमें हम लोग एक इको कार्डिक मशीन आर के मेडिकल कॉलेज और 6 ICU बेड हमने इनको प्रदान किए, जिनकी फाइनेंशियल ये हमने इसकी लागत 21 लाख के आसपास होगी। नमस्कार, फर्स्ट मैं जो ये पावर ग्रिड वालों इनका वेलकम करना चाहती हूँ। और जो ये मशीन है, ये जो स्पेशली हमारे हार्ट पेशेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। इन्होंने जो हमारे को एक मशीन दी है, और इसका हमारा पेपर वर्क बहुत दिन से चल रहा था, और हमने गवर्नमेंट से भी इसकी अप्रूवल ली है। और ये इको कार्डियोग्राफी है जो मशीन है विद स्कैनर है, तो इस तरह की मशीन मतलब बहुत कम संस्थानों में है, और ये हमीरपुर में पावर ग्रिड के सौजन्य से हमें मिली है, तो इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूसरा, इन्होंने जो हमारे को दूसरा एक आइटम और दिया है, बेड्स दिए हैं इन्होंने। ये ICU बेड स्पेशल ट्रॉली बेड्स होते हैं, ये स्पेशली हमारी इमरजेंसी में यूज़ होते हैं, तो ये भी इन्होंने हमें दिए हैं। और वो मतलब एक तरह से जो CSR में दिए हैं, और ये काफ़ी अमाउंट के हैं, कि मतलब इतना आसानी से CSR में मिलते नहीं हैं, तो इसके लिए मैं पावर ग्रिड वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि इनका शुरू से हमारे इंस्टीट्यूट जब से खुला है तब से ये ट्राई कर रहे थे, और शुरू से पेपर वर्क हमारा चल रहा था, अब करते करते ये हमारा फाइनली हुआ है। और इनके सौजन्य से हमें आगे भी मतलब सहयोग मिलता रहेगा, और ये चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशन को एडवांसमेंट की तरफ ले जाती हैं, जो एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। कल को ये बच्चों पेशेंट्स केयर में बहुत काम आएगी, हमारे पास जो स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके लिए बहुत काम आएगी, और पब्लिक के लिए तो है ही, हमीरपुर में आसपास ये मशीन नहीं है, तो ये बहुत काम आएगी। तो मैं फिर से इसका धन्यवाद करती हूँ। इसमें इससे हमारी बहुत, क्योंकि इसके साथ स्कैनर भी है, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा मशीन से पेशेंट के लिए। बस हमारे को इसके लिए थोड़ा हम 6-7 दिन का डॉक्टर्स को भेज के ट्रेनिंग कराएंगे, और इसका आगे आप आगे रिजल्ट देखेंगे ही, जैसे जैसे जनता हमारे आती है। वैसे हमारी कार्डिक केयर हम करते हैं, पर फिर जब सीवियर केसेस होते हैं तो हम रेफर करते हैं, तो ये मशीन तो यूज़फुल है ही। ये थोड़ा सा तो वैसे इको कार्डियोग्राफी हमारे पास ऑलरेडी है, पर वो दूसरी तरह की है, बहुत पुरानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम ट्रेनिंग करवा देंगे हमारे जो डॉक्टर्स की है। और इसका जो मेनली काम होता है हमारा हार्ट डिजीज़ से, ऐसे सेपरेट डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी का यहाँ है नहीं, बट लेटर ऑन तो बनेगा ही, जब MBBS बन रहा है, MBBS होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, तो कल को कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे यहाँ, तो इसमें हमारा जो पूरी फंक्शनिंग हार्ट की पता लग जाएगी। जैसे पेशेंट आता है उसके, ये इमीडिएटली हम टेस्ट करते हैं, तो उसका हार्ट का सारा फंक्शन इस मशीन से हम इमीडिएटली पता कर लेंगे, तो ये कार्डिक पेशेंट में हमारे बहुत यूजफुल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।